नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और फिर से एक और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दिन रविवार है आज और आज का स्पेशल सेशन है, इसीलिए स्पेशल सेशन में हम आपका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पिछला जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था वो आज से 7 दिन पहले रविवार के दिन किया था, तो प्रैक्टिस सेट में कब लेके आता हूँ ये मैंने बताया नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो इन्वायरमेंट है आपका वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और पेडागोजी के हमने 7 लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए हैं। आपके जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके हम वीडियो कर रहे हैं पुराने, मतलब पुराने क्वेश्चन लगा रहे हैं हम आपके 2018-19 के, है ना। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और यदि आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कॉपी पेन उठा लीजिए और आप खुद का आकलन कीजिए आपकी कैसी तैयारी है आपकी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टोटल, और आपने और कहीं से पढ़ा हो तो आप भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप देखिए कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना, तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और बता दूँ आप सभी को कि पेडागोजी बंद हमने इसलिए किए क्योंकि उस पर व्यू कम आ रहे थे, और इस पर हमने 1,000 व्यू का रखा है। यदि इस वीडियो पर आपके 1,000 व्यू आते हैं तो 1,000 व्यू आने के बाद यदि कल ही मुझे प्रैक्टिस सेट लाना पड़े तो मैं कल लेके आ जाऊँगा। 1,000 व्यू जैसे कंप्लीट होंगे इस वीडियो पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा देंगे, जरूर नहीं कि हर रविवार के दिन लेके आए। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, इनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में जल का अधिगम किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि जल का अधिगम किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पेलिसेड। तो आपका जो जाइलम होता है ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। थोड़ी देर से बता रहा हूँ आंसर में, जिससे आप पहले थोड़ा सा कोशिश करें कि इसका उत्तर क्या आएगा, ताकि और मुझे कमेंट्स करें फिर कि आपको किस में से कितने नंबर आ रहे हैं ना, और सही नंबर लिखना है, 30 में से 30 नहीं लिखना है ना, जो नंबर आ रहे हैं वही लिखना है, वो तुक्के वाले नंबर उसमें इंक्लूड नहीं करना है, जो आपको नहीं आ रहा उसको स्किप करने की कोशिश करें। फ्लोएम क्या करता है, आपके खाद्य पदार्थ को ले जाने की कोशिश करता है। जाइलम क्या करता है, जल का अधिग्रहण करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, जल जनित रोग है। आपको बताना है कि जल जनित रोग कौन सा है, अतिसार, छोटी मात्रा, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर, बताइए कौन सा आएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अतिसार। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। आपको बताना है कि जल संकट जो विश्व में हो रहा है उसका क्या कारण है मुख्य, ये बताना है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान वृद्धि और अम्ल वर्षा, बताइए इसका क्या होगा। सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम और कुछ इसमें नए क्वेश्चन ऐड किए मैंने, है ना। तो यदि आप मुझसे पढ़े हो तो आपको 30 में से 25 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। और यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्वायरमेंट की, वहाँ से आके और चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी सारी क्लास आप ले सकते हैं। समथिंग हमारी 100 से 125 क्लासेस हो गए, सब 10-10-15-15 मिनट की, कोई बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं ना। वैसे भी 21 दिन का लॉकडाउन है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं आराम से, और इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें। 1,000 व्यू हो गए तो कल ही मैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाऊँगा पर्यावरण का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नगरीकरण, है ना। हालांकि है तो सारे इन चीज़ों में, लेकिन प्रमुख कारण नगरीकरण है जिसके कारण जल संकट हो रहा है। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बताइए कौन से देश से आया था अलबरूनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान से आया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, कौन से क्षेत्र का भाग है ये बताना है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, बताइए। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही, नेपाल का। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकसित करना, नित्य एवं एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, हम ये सारी चीज़ें, हम जो भी तैयारी करवाते हैं पर्यावरण की या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें उनको देने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन हम उनको मज़ा या फिर आनंद देने की कोशिश नहीं करते हैं शिक्षा के साथ साथ, है ना। पढ़ाते वक्त हम थोड़ी सी हंसी मजाक कर ले वो बात अलग है, लेकिन हमारा पाठ्य सामग्री या जो हमारा जो सामग्री होती है जिसे हम विषय वस्तु बोलते हैं, वो हम इस तरह के नहीं रखते कभी भी कि उसमें आनंद या मजा आए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा, जो कि पूछा है कि नहीं है, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण की परिभाषा क्या है।
देखिए पर्यावरण की परिभाषा हमने बहुत सारी पढ़ी, लेकिन मेन आपकी पर्यावरण की परिभाषा ये है कि हमारे आसपास का जो आवरण है चारों ओर का, उसे हम पर्यावरण कहते हैं ना। तो उससे मिलती जुलती हमें परिभाषा यहाँ पर ढूंढना है। एबायोटिक एम्बायोटिक अम्ल घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं चीज़ें जो हमें घेरती है और उपयुक्त में कोई नहीं, कि हमने स्किप कर दिया। एबायोटिक बायोटिक हमने पढ़ा नहीं, समुद्र के नीचे पृथ्वी की वस्तुएं, तो फिर हमारे आसपास का क्या होगा? तो देखिए इंडायरेक्टली हमें जो हमने पढ़ा है कि हमारे आसपास के आवरण को या फिर चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। तो चीज़ें जो हमें घेरती है या फिर हम जिनके द्वारा घिरे हैं वही तो पर्यावरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, शिक्षकों क्या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए? बताना है आपको इसमें क्या सही होगा। ये पेडागोजिक क्वेश्चन है हमारा, हमने 70 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपका एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट बन सके जो कि आपके एग्जाम का लेवल होगा वैसा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करनी है ना, तो इसका किसका उपयोग करेंगे हम? अदरक लहसुन मेथी और तुलसी। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसमें? अच्छे लग रहे ना सारे क्वेश्चन, कमेंट्स कीजिएगा मुझे कि हाँ सर अच्छे हैं सारे क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 लहसुन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? हवा जल एंजाइम और खनिज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 एंजाइम सही हो जाएगा। मार्किंग करिए कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है ना। और फिर कमेंट्स करना ना भूले कोई भी, आप कमेंट्स करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए फिर से ऐसा वीडियो लाने के लिए। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, 1000 व्यू होगा तो मैं कल ही आपके लिए बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट तैयार करके लेके आऊँगा। और 1000 व्यू जब तक नहीं होंगे उसके बाद, यदि 3-4 दिन में 1000 व्यू हो जाते हैं तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक संतुलित आहार पौष्टिक तभी माना जाता है जब वह हमारी भूख शांत करता है, भोजन सभी पौष्टिक तत्वों से संपन्न हो, अच्छे प्रकार से पकाया गया हो और सुपाच्य हो। सुपाच्य मतलब अच्छी तरह से पच गया हो, अच्छी प्रकार से पकाया हुआ हो और भोजन सभी पौष्टिक तत्व वाला हो और हमारी भूख शांत करता हो, यानी सिर्फ पेट भरने के लिए खाते, ऐसा होना चाहिए कि संतुलित भोजन? बताना है, बताइए। तो भोजन सभी पौष्टिक पदार्थ से संपन्न हो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आँख को स्वस्थ बनाए रखने एवं रखने में सहायक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, इसीलिए प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, तिल चट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया जाता है? शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक और सर्वाहारी। तिल चट्टे का बताना है हमें कि उसको किस श्रेणी में रखा गया है, शाकाहारी है मांसाहारी उत्पादक है या फिर सर्वाहारी है? तिल चट्टे को सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है ना, मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सभी के जैसे ही काम करता है, इसीलिए इसको सभी की श्रेणी में सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती है वसी अम्ल अमीनो अम्ल उच्च गलनांक वाले अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रोटीन मतलब, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि प्रोटीन का मतलब मैंने क्या समझाया था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? प्रोटीन का सीधा सीधा मतलब होता है अमीनो अम्ल से, है ना, अमीनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होकर फिर हमें वो विभिन्न कोशिकाओं से लगता हुआ हमारे शरीर में काम करता है। तो मैंने जहाँ कहा था कि जहाँ प्रोटीन आते हैं वहाँ अमीनो अम्ल आपको टिक करना, चाहे वो किसी भी कंडीशन में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना और मरुस्थल। तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो कि क्षेत्र में पाया जाता है ना, तो ये आपका सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल और बायोमास एवं का पिरामिड, है ना, बायोमास का पिरामिड कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, या श्रृंखला अभिक्रिया या फिर खाद्य चक्र? तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है जैविक पर्यावरण में ये बताना है। उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक या उपरोक्त, सभी बताइए क्या होगा इसका, जैविक पर्यावरण का बताना है आपको। जैविक मतलब जीवित, ठीक है, तो इसमें आपके तीनों आ जाएंगे, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ें आपकी जीवित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। आपको बता दूं, आपके घर में जो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र हो वो इक्वेरियम होता है, जो मछली का घर होता है ना, इसमें हम दो चार मछली डाल के हो, तो वो एक सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है पृथ्वी पर, रेगिस्तान, समुद्र, वन और कृषि भूमि, बताइए क्या होगा। रेगिस्तान में तो वैसे ही जीव कम पाए जाते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं, कृषि भूमियाँ इसमें कट हो जाएगा। वन जो समुद्र होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो बहुत सारे प्राणियों, जीव जंतुओं, जानवरों का वो घर होता है, तो समुद्र इसमें सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर, तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन, आपको बताना है। प्राथमिक स्रोत तो आप सभी जानते होंगे, है ना, पृथ्वी पर सब प्राथमिक स्रोत क्या है पारितंत्र में ऊर्जा का, तो वो आपका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, सूर्य प्रकाश आपका प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का, याद रखना है ये। तो आपको निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। हमारे आसपास के वातावरण या आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, तो हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जलमंडल का अध्ययन करते हैं और जीवमंडल यानी मानव का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किसका नहीं करते हम, सौरमंडल का, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन 22, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य जुड़ा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये वाला ऑप्शन तो आप सभी को रटा गया होगा, है ना, बच्चों बच्चों को पता होगा ये, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीन उत्तराखंड सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 23 नंबर का है, इन में से जैविक घटक कौन सा है, पादप, है ना, मृदा, वायु, जल, मिट्टी जैविक घटक नहीं, वायु, जल ये जैविक घटक नहीं, तो जैविक घटक कौन सा हो गया आपका, पादप। क्वेश्चन देख के आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि आपसे कितने बन रहे हैं, यदि मैं बता दूं आपसे पहले तो आप सोचिए कि आप पहले क्या लगाते हैं, वही उत्तर मान के चलिए। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये हो गया आपका पिरामिड सीधा, ये उल्टा या फिर अनियमित कैसा होता है, तो आपका सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सजीवों के पाँच जगत को किसने प्रतिपादित किया है, यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो किसने दिया है ना, तो आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, कैरोलस, आर एच विटेकर और चार्ल्स डार्विन, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि सजीवों के पांच जगतों का वर्गीकरण किया था। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, पादप, मोलेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया था उसी में आपको मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी ये सारे हैं, तो उसमें आपके जीवाणु का अध्ययन किस जगत में किया जाता है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, मोनरा के अंतर्गत आपका जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, उनकी कैटेगरी का अध्ययन किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान के जनक है, एंटोनी वान, ल्यूवेन हाक, डीजे इवानोस्की, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं, बताना जीवाणु विज्ञान के जनक कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, इसमें एंटोनी वान, ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण दही जमता है, जीवाणु, कवक, प्रोटिस्टा और विषाणु, बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा आपका दही जमता है। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है, पेनिसिलिन, मशरूम, यीस्ट, ये सभी, बेकरी उद्योग में क्या कौन सा कवक आपका उपयोग है, तो सारे ये कवक लेकिन आपका कौन सा उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में बताना है, तो ऑप्शन नंबर तीन यीस्ट खमीर इसमें सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, पादप जगत के जनक है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क, दोस्तों कितने नंबर आ रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपको, 30 में से 25 आ रहे हैं, तो आपको लिखना है 25/30, है ना, कमेंट से सब करेंगे मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप कितनी अच्छी बेहतर तैयारी चल रही है आपकी, है ना, और ये करना ना भूले आप, और इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, ये आपका काम है, ठीक है, और तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा
थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से शेयर करें, जैसे 1000 व्यू हो जाएंगे इस वीडियो के, है ना, मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊँगा, क्योंकि हम आपकी इन्वायरमेंट की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। बालू का शिक्षा शास्त्र आपका चल रहा है, जिसमें हम आपके 1050 क्वेश्चन करेंगे। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है आपको एक अच्छी स्टडी प्रोवाइड करने की। आपका काम है पढ़ने का, घर रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।